हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है, नाम तो आप जानते हैं, हाउस एक्सप्लोरर्स। हम क्या करते हैं, हम आपके लिए सर्च करते हैं कुछ अफोर्डेबल लग्जरियस प्रॉपर्टीज, स्पेशियस हो, वैल्यू फॉर मनी दे रहा हो। अगर आप चाह रहे हैं एक 2 BHK फ्लैट जो कि हाई राइज सोसाइटी में हो, कन्वीनियंस उसमें आपको बहुत सारी मिल रही हो, एमिनिटीज़ बहुत सारी मिल रही हो, तो आपको ये समझ में आने वाला है। प्रोजेक्ट का नाम है दोस्तों आस्था ग्रीन्स। बिल्कुल पहचान गए होंगे आप हमारे चैनल पे, आपने इसके और साइजेस में जो हमने फ्लैट्स हैं आपने ज़रूर चेक किए होंगे। आज हम आपको चेक कराएंगे 1152 स्क्वायर फीट में 2 BHK बना हुआ है, 2 बेडरूम्स 2 वॉशरूम्स देखने को मिलेंगे, फुल्ली फर्निश होने वाला है। चलिए ज़्यादा डिले करेंगे नहीं, बात करें अगर हम इसके लोकेशन की तो ये लोकेटेड है आपका सेक्टर 4 ग्रेटर नोएडा वेस्ट में, 4 मूर्ति चौक से नियर अबाउट हो जाता है। दिल्ली और नोएडा से वेल कनेक्टेड रहने वाला है, NH9 से बहुत ज़्यादा क्लोज बाय हो जाता है। चलिए दोस्तों वॉक थ्रू स्टार्ट करें। देखिए ये हो जाता है इसका मेन गेट, और ये देखिए गेट के बाहर ही आपको ये थोड़ा सा यहाँ पे आपको शू रैक देखने को मिल जाएगा, चेक कर सकते हैं दोस्तों। अगर अब मैं इस प्रोजेक्ट की बात करूँ तो 5 एकड़ लैंड में बना हुआ है, 4 टावर आ रहे हैं, लो डेंसिटी होने वाला है, ग्रीनरी आपको प्रॉपर मिलने वाली है, पार्किंग दोस्तों यहाँ पर आपको अगर देखेंगे ना तो आपको बेसमेंट पार्किंग देखने को मिलती है, तो बाहर कोई गाड़ी का हौच पौच है नहीं, खुला एरिया है, ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है। चले बात करते रहेंगे। ये हो जाता है दोस्तों इसका लिविंग रूम, ये देख सकते हैं जैसे कि हमने बात की फुल्ली फर्निश्ड फ्लैट होने वाला है, लिविंग और डाइनिंग देखिए साथ में आएगा। यहाँ पर लेफ्ट साइड में देख सकते हैं बिग साइज सोफा प्लेस है, टेबल आ रहा है आपका सेंटर टेबल, फिर भी जगह आपको प्रॉपर देखने को मिलेगी, वॉकिंग स्पेस अच्छी आ जाती है, कोई दिक्कत आपको होगी नहीं। बिग साइज सोफ़ा अगर आप अपने सोफे को भी चेंज कराते हैं बाद में तभी भी आपको अच्छा एक साइज़ मिलने वाला है। ये तो सब सामान आपको जितना भी फर्नीचर दिख रहा है दोस्तों A to Z जो भी इसमें लगा है सब आपको इसके साथ ही मिलेगा। अगर हम बात करें दोस्तों, ये देखिए हम पहले कोई एंट्री डोर आपको दिखाते हैं, इसकी खासियत इसमें बहुत है। एक तो दोस्तों जिस पैटर्न में से बनाया गया ना एलिगेंट लगता है, क्राफ्ट वर्क बहुत अच्छा देखने को मिलेगा इसमें, देख सकते हैं ये ब्लैक अगर आपको देखें ना ग्लास लगा हुआ है, डोर हैंडल देखो यार आप, पूरा ब्रास फिनिश में है, क्वालिटी इसकी टच करते ही पता चलती है कि किस क्वालिटी का लगाया गया है, बाकी सब चीज़ का ध्यान रखा गया। ये जो देख रहे हैं दोस्तों लॉक फिटिंग बाय गोदरेज आने वाली है, देख सकते हैं क्या प्रीमियम आपकी सिक्योरिटी का ध्यान रखा गया है। चलिए दोस्तों इसमें देखिए आपको ये आयरन गेट भी देखने को मिल जाएगा, सॉरी स्टील गेट। बाकी अब हम फिर से रूम की बात करें तो देख सकते हैं, अगर हम इसमें फ्लोरिंग की बात करते हैं दोस्तों, फ्लोरिंग इसमें जितनी भी है आपको डिजिटल विट्रीफाइड टाइल्स देखने को मिलेंगी, सब ग्लॉसी टाइल्स होने वाले हैं, 6 बाइटन में बिल्कुल आपको ये मार्बल वाला फील देगा, लेकिन ये सब ग्लॉसी टाइल्स लगाई गई हैं। अगर आप यहाँ देखें तो ये हो जाता है आपका बिग साइज टीवी पैनल, टीवी वॉल कह सकते हैं यार, क्या वेल क्राफ्टेड है आपका बिग साइज LED आप यहाँ प्लेस करें, इंजॉय करें अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर, और देखें स्ट्रिप लाइटिंग कमाल लगती है, नीचे भी आपके ड्रॉवर्स आ रहे हैं, सेक्शंस आ रहे हैं, तो एलिगेंट होने वाला है ये। यहाँ राइट साइड में बात करें दोस्तों तो हमें यहाँ पे 6 चेयर डाइनिंग टेबल देखने को मिल जाएगा, बेस्पोक फर्नीचर होने वाला है, क्वालिटी दोस्तों टॉप नॉच है, ये वर्ड हम ज़्यादा यूज़ करते हैं लेकिन सच में आप जब आएँ इस टेबल को ज़रूर चेकआउट करें, आपको पता चल जाएगा कि किस क्वालिटी में चीज़ें लगाई गई हैं। स्पेशियस लिविंग और डाइनिंग आपको मिल जाएगा, देखिए 6 चेयर लगा है तभी भी कोई ज़्यादा दिक्कत हो नहीं रही है। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों, ये देखिए वैनिटी विद मिरर देखने को मिलेगा, और आप ये देखो यार किस लेवल की चीज़ें लगाई गई हैं, देख रहे हैं आप, तो ये टैप आ रहा है, क्या एलिगेंट लगता है, वॉश बेसिन भी काफ़ी ज़्यादा एलिगेंट दिखता है, ऊपर आपका मिरर आ रहा है, प्लस ये टॉवल के लिए आपका हैंगर आ रहा है दोस्तों। अगर हम बात करें, देखिए लेफ्ट साइड में हमारा यहाँ वॉशरूम आ जाएगा, राइट साइड में किचन आएगा। चलिए पहले बारी वॉशरूम को चेकआउट कर लें, ये हमारा कॉमन वॉशरूम होने वाला है इस फ्लैट के लिए, स्पेशियस वॉशरूम निकल के आएगा। टाइल्स भी देखेंगे दोस्तों, ये वाइट कलर टाइल्स में है, प्लस यहाँ डिफरेंट पैटर्न में आ रहा है, फॉल सीलिंग से आपका देखिए शावर आ रहा है, सीलिंग शावर आने वाला है, एलिगेंट हो जाएगा। सेपरेशन के लिए यहाँ पे कर्टन दिए गए हैं, चाहे आप बाद में आप इसमें चेंज करा के ग्लास पार्टीशन करा सकते हैं, वो आपकी विश है, लेकिन अभी ये एज इट इज़ मिलने वाला है। फॉसेट्स की बात करें दोस्तों, प्रीमियम फॉसेट्स लगाए गए हैं, और ये सेपरेट एरिया दिया गया है, अगर देखें ना तो थोड़ा सा देखिए हाइट डिफरेंस आ जाता है, ताकि अगर आप यहाँ शावर भी दे रहे हैं पानी इस तरफ नहीं होगा, इधर से ही सारा का सारा ड्रेन हो जाएगा। अगर हम बात करें दोस्तों, देखिए जो जो भी सारी की सारी फिटिंग्स दी गई हैं, भाई NVO होने वाली है, वॉश बेसिन की बात करें जो भी यहाँ पे सॉफ्ट फॉसेट्स हैं सब दोस्तों प्रीमियम लगाए गए हैं, ये देख सकते हैं टच सेंसर लाइट के साथ में ये आने वाला है,
चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। इसमें भी फिटिंग लगाई नहीं गई, वो लगेगा अच्छा लगेगा। दोस्तों अगर हम बात करें तो इसके बिल्कुल देखिए एडजेसेंट हमें यहाँ पर देखने को मिलता है किचन। किचन देखेंगे दोस्तों ड्यूअल स्लैब के साथ में आने वाला है। देखिए लेफ्ट और राइट साइड में आपको स्लैब देखने को मिल जाएगा, वाइट कलर स्लैब आने वाला है, ब्लू टोन में देख सकते हैं आपका, या आपको रॉयल ब्लू टोन में आपके ऊपर के सारे कबर्ड्स बनाए गए हैं। नीचे की अगर ये देखें तो ये ग्रे स्टोन है, एलिगेंट लगता है। इसकी खासियत बहुत ज़्यादा आपको बताते रहते हैं। देखिए कुछ सेक्शंस तो आपके ये सारे के सारे हाइड्रोलिक्स के साथ में आएंगे, और नीचे देखेंगे ये वुड में है, HTMR क्वालिटी वुड में बना है। ये देखेंगे तो ग्लास मेड है, टफन ग्लास है, लॉन्ग लास्टिंग होने वाला है, कुछ होगा नहीं इसे। ये देखें ये सब के सब हाइड्रोलिक्स में आ रहे हैं, एलिगेंट होने वाला है और लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, क्वालिटी प्रोडक्ट है ये। इसमें और क्या चीज़ देखने को मिलेगी दोस्तों, इसमें आपके सामने देखिए प्रीपेड आपको देख सकते हैं CNG कनेक्शन तो आ ही रहा है। यहाँ देखें तो दोस्तों 4 burner कुकटॉप आने वाला है आपका बाय फेवर, ऊपर ही आपको बाय अलाइक आपको देख सकते हैं चिमनी आने वाली है। तो ये आपको इसी के साथ मिलने वाले हैं, जो चीज़ें जो दिख रही हैं आपको तो इसी के साथ ही मिलेंगी। जैसे कि आपको ये फ्रिज देख सकते हैं, इसी के साथ ही आने वाला है। बात करें दोस्तों देखिए काफ़ी एलिगेंट होने वाला है। अगर आप इसमें नीचे टाइल वर्क देखोगे ना, बहुत अच्छे से इसे बनाया गया है, इसका टाइल वर्क ना सच में टॉप नॉच लगता है। तो दोस्तों ये तो हमने चेक कर लिया, इसका चलिए एक चीज़ आपको और चेक करा देते हैं। आइए ये देखें, हो सकता है एक्सपोज ऑफ आ रही हो वीडियो, लेकिन आप देखो ये चेक करो, इसमें ना सेपरेट यहाँ पर आपको डिश वॉश के लिए और जगह दी गई है, ये बनाया गया है सेपरेट है। और ये जो बालकनी है आपकी किचन से तो यहाँ पर आप इसे एक्सेस करोगे, बाकी आप देखो ना जो इसका जो बेडरूम आएगा वहाँ तक ये बालकनी रन करती है। लिविंग रूम से भी बालकनी आ रही है, मान के चले कम से कम इसमें 3 balconies आ रही हैं, तो फुल्ली वेंटिलेटेड रहने वाला है, क्रॉस वेंटिलेशन में दिक्कत होगी नहीं, प्रॉपर सनलाइट मिलती रहेगी। जैसे कि हम लिविंग रूम अगर चेक करें दोस्तों, देखिए यहाँ पर ये आपका आ जाएगा टेम्पल सेक्शन। देखें ये टेम्पल बनाया गया है, एलिगेंट लगता है, ग्लास में है ये, और अंदर देखें मिनी टेम्पल बनाया गया आपका, पूजा प्रार्थना आपकी होती रहेगी। अगर आप यहाँ देखें दोस्तों, यहाँ से भी आपको देखें ये रहा आपका, इधर से आपको देखने को मिल जाएगा बालकनी, यहाँ पे भी अच्छा जगह मिलने वाला, 2 से 3 chairs तो आप प्लेस कर लोगे। तो दोस्तों ये तो हो गया हमारा लिविंग डाइनिंग किचन और हमारा कॉमन वॉशरूम। अगर हम आगे की बात करें, जी हमने सिर्फ फॉल सीलिंग की बात नहीं की है अभी तक। फॉल सीलिंग में देखें तो 2 आपको फैंस देखने को मिलते हैं बाय ओरिएंट, ऊपर देखें बीचों बीच में ये शैंडेलियर देखने को मिलेगा, अच्छा काम किया गया है, स्ट्रिप लाइटिंग जो है ना काफ़ी खूबसूरत लगती है इसकी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और चेक कर लेते हैं इसका पहला बेडरूम। चलिए इस बेडरूम को ही चेक कर लेते हैं जहाँ से बालकनी आ रही थी जो हम बता रहे थे आपको, आइए। तो दोस्तों ये हो जाता है पहला बेडरूम। बेडरूम देखें, बेडरूम एलिगेंट लगता है यार, स्पेशियस होने वाला है, 1152 square feet में ये बना हुआ है 2 BHK, और 2 bedrooms आ रहे हैं ना दोस्तों। देखिए बेड प्लेस है, ये सब इसी के साथ मिलने वाला है, किंग साइज बेड होने वाला है ये। साइज़ देखो यार आप इसका, फिर भी आप लेफ्ट और राइट साइड, और ये देखिए जो बेड के आपका जो ये वाला एरिया है, इस वाले एरिया में कितना जगह मिल रहा है आपको, प्रॉपर जगह आ रही है। और इसमें और बहुत सारी यूटिलिटीज़ आ रही हैं, जैसे कि अगर हम ये देखें, देखें यहाँ पर आपका ये वर्क स्टेशन होने वाला है, यहाँ पर अपनी चेयर लगाएं, यहाँ पर आप वर्क कर सकते हैं, प्लस आपका ये एज ए टीवी पैनल की तरह वर्क करता ही है। ऊपर देखें AC आ रहे हैं, हमारे लिविंग रूम में भी AC आ रहा था बाय ब्लू स्टार, यहाँ पे ब्लू स्टार का लगा हुआ है, और एक डाइकिन का AC आपको इसमें मिलने वाला है, 3 AC मिलेंगे इसमें आपको। ये अलग से सेक्शंस बनाए गए हैं, एलिगेंट लगता है, स्पेशियस होने वाला है, सेम कलर टोन में ही टाइल्स को कंटिन्यू किया गया है जैसे कि हमें लिविंग रूम में देखने को मिले। इसमें और क्या खासियत है दोस्तों, ये बेड तो आ ही रहा है, साइड टेबल सब इसी के साथ मिलने वाला है। अगर आप ये देखोगे ना बैक ऑफ दी जो बेड है, ये एलिगेंट टाइल वर्क किया गया है, ये हमें लग रहा था वॉलपेपर है लेकिन ये टाइल वर्क है, काफ़ी एलिगेंट लगता है ये सच में। हमने आज तक कभी बैक ऑफ दी बेड में हमने टाइल वर्क नहीं देखा, ये देख सकते हैं, हमें लग रहा था ये वॉलपेपर लेकिन टाइल वर्क है, और काफ़ी ज़्यादा एलिगेंट लग रहा है ये। दोस्तों अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पे 4 door wardrobe भी आपको देखने को मिलेगा सारा का सारा। अगर आप ये देखोगे ना तो ये आपका HTMR क्वालिटी वुड में बनाया गया है, एलिगेंट होने वाला है। ये देखें डिफरेंट सेक्शंस आ रहे हैं इसमें, क्या एलिगेंट हो जाता है ये देख सकते हैं, स्पेशियस वार्डरोब है, डीप वार्डरोब होने वाला है, सूट ब्लेजर्स तो आराम से इसमें आप हैंग कर लेंगे। और सॉरी दोस्तों ये 4 door नहीं है, 3 door wardrobe है, ये 3 door wardrobe आएगा। चले आइए बाहर आपका इसका बालकनी फिर से चेक कराता हूँ। ये देखिए यही हमने बालकनी भी आपको चेक कराई थी, जो हम किचन से बाहर आए थे ना, यही वो बालकनी है,
देखिए अब बाहर का ये देखिए आपको कुछ इस तरीके से व्यू मिलने वाला है। अभी सब अंडर कंस्ट्रक्शन है, कुछ समय में यहाँ पर भी कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्ट हो ही जाएगा। नीचे का व्यू देख सकते हैं दोस्तों, देखिए पूरा का पूरा गार्डन एरिया आपको देखने को मिलेगा। ये देख रहे हैं यहाँ पे, जहाँ पे सारी सिटिंग है पूरा गार्डन एरिया है। सुबह शाम आप यहाँ पे वॉक कर सकते हैं, पूरा ग्रीनरी प्रॉपर मिलने वाली है। नीचे क्या पूरी लेन चेक कर सकते हो। ये एंट्री हो जाती है दोस्तों, ये मेन गेट होने वाला है। देखिए बिल्कुल वहाँ पर आप देख रहे हैं मेन गेट होने वाला है, और यहाँ से अगर आप ये करते हैं ना यहाँ पे, यहाँ से आपकी एंट्री और एग्जिट हो जाती है। नीचे अगर सारी की सारी जो पार्किंग है ना, यहीं से आप नीचे के लिए बेसमेंट पार्किंग के लिए आप जा सकते हो। सच में एलिगेंट होता है ये। चलिए आइए अंदर चलते हैं और हम इसका जो लास्ट बेडरूम है ना उसे चेकआउट कर लेते हैं। उससे पहले अगर दोस्तों जो हमने सारे डोर चेक करे हैं, अगर हम मेन डोर को छोड़ दें तो जितने भी डोर्स हैं ना सब इसी पैटर्न में बने हुए हैं, और सब में सेम क्वालिटी के ही आपके ये डोर हैंडल देखने को मिलेंगे जो कि ब्रास फिनिश में आते हैं। तो देख सकते हैं प्रीमियम लगते हैं, सभी में यही पैटर्न देखने को मिलेगा। यही आपके जो हैं सारे के सारे जो देख सकते हैं ना लॉक्स और ये सारी चीज़ें हैं ये आपको देखने को मिलेंगे। चलिए दोस्तों लास्ट बेडरूम चेकआउट कर लेते हैं, आइए। तो दोस्तों ये हो जाता है हमारा सेकंड बेडरूम। देखिए बेडरूम आप चेकआउट कर सकते हो, ये भी स्पेशियस होने वाला है। जैसे अभी हमने बेडरूम चेक किया है ना, बिल्कुल उसी के जैसा होने वाला है, स्पेशियस होने वाला है। इसमें भी देख सकते हैं आपका किंग साइज बेड प्लेस्ड है, लेफ्ट और राइट साइड में प्रॉपर जगह मिलेगी आपको। देख सकते हैं बेड के अगर हम इस तरफ बात करें लेग साइड की तरफ, तो देखिए यहाँ पर भी आपको अच्छी जगह मिलेगी। आपका टीवी पैनल लगा हुआ है यहाँ पर, पहले से ही टीवी आपको देखने को मिल जाएगा। वन प्लस का जो है टीवी इसके साथ में आपको मिलने वाला है, देख सकते हैं क्वालिटी टीवी मिल रहा है आपको। अगर हम यहाँ लेफ्ट साइड में दोस्तों चेक करें तो यहाँ पर देखिए वर्क स्टेशन के लिए आपको जगह दिया गया है। ये हो जाता है दोस्तों आपका वार्डरोब, थ्री डोर वार्डरोब इसमें भी आपको देखने को मिलेगा। ये देख सकते हैं सेंसर लाइट के साथ में आपको ये वार्डरोब देखने को मिल जाता है। HDMR क्वालिटी वुड में बना है, डीप वार्डरोब होने वाला है, अच्छी जगह मिलने वाली है दोस्तों। अगर ये बैक ऑफ द बेड की अगर हम बात करें तो दोस्तों देख सकते हैं, नहीं इस पर ये टाइल नहीं है, ये कुछ और लगाया गया है इस वाले में, देखने भी एलिगेंट होने वाला है। ऊपर अगर देखें ना दोस्तों तो ऊपर देखे फॉल सीलिंग का काम आपको अच्छा देखने को मिलेगा। वुड का एक अच्छी पैनलिंग का वर्क है, ये पूरी स्ट्रिप लाइटिंग का वर्क अच्छा लगता है। अगर हम इसके लेफ्ट साइड में बात करें बेड के, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है देखिए ड्रेसिंग, बिल्कुल घर में लेडीज हैं मैम हैं तो उनको एक सेपरेट अपना ड्रेसिंग एरिया चाहिए। यहाँ पर आपका बिग साइज मिरर लगा हुआ है, तो आप ये देख सकते हैं। देखिए आपको दिखाते हैं, ये देखें यहाँ पर प्रॉपर सेक्शंस मिल जाएंगे आपकी कॉस्मेटिक्स रखने के लिए। नीचे भी ड्रॉवर्स आ रहे हैं। सॉरी दोस्तों हमारा फ़ोन भी बज रहा है बीच बीच, क्योंकि कुछ ना कुछ कॉल्स आते रहते हैं, क्वेरीज आती रहती हैं दोस्तों। ये देखिए यहाँ पे भी कुछ सेक्शंस मिलने वाले हैं। इसके साथ आपको अटैच वॉशरूम देखने को मिलेगा, इसके टाइल्स बिल्कुल डिफरेंट पैटर्न में, जैसे अभी हमने देखे उससे अलग हैं। ये देखेंगे तो ऑफ वाइट क्रीमी स्टोन है, ये थोड़ा सा सेम पैटर्न है, अच्छा होने वाला है। अगर आप ये देखें तो यहाँ पे वॉश बेसिन और जितने भी सैनिटरी फिटिंग्स आ रहे हैं अच्छे दिखते हैं। स्पेशियस वॉशरूम आने वाला है सेपरेट आपका, यहाँ पर देखें शावर एरिया हो जाएगा, कोई दिक्कत होगी नहीं। तो चलिए दोस्तों ये तो हमारा फ्लैट था 1152 स्क्वायर फिट एरिया में। चलिए आगे चलें और ये दिखाते हैं आपको। तो दोस्तों ये हो जाता है हमारा बालकनी। इस बेडरूम से हमें ये वाली बालकनी देखने को मिलेगी, ये देख सकते हैं बालकनी का साइज अच्छा आ रहा है। देखिए यहाँ पे बालकनी में भी ना यहाँ पे कुछ ना कुछ यहाँ बना के दिया है। यहाँ पे कुछ अगर स्टोर करना है, कुछ चीज़ें हैं तो आप यहाँ पर एज को स्टोर कर सकते हैं। तो आपको डाइकिन का आपको एसी मिलने वाला है, उसका देखिए डक्टिंग यहाँ की गई है, उसका जो आ रहा है ना ये देख सकते हैं डाइकिन का एसी देखने को मिलेगा। ये साइज मिलने वाला है यार आपको। तो दोस्तों ये था हमारा फ्लैट 1152 स्क्वायर फिट एरिया में। थोड़ा सा मैं भी फंबल कर रहा हूँ, दिमाग से निकल गया था साइज़, 1152 स्क्वायर फिट साइज आ जाता है, स्पेशियस होने वाला है। अगर मैं कुछ एमिनिटीज़ की और बात करूँ दोस्तों, तो इसमें क्लब एरिया आने वाला है, स्विमिंग पूल इसके अंदर आ जाता है, बैंकेट हॉल इसी के अंदर है, जिम इसी के अंदर है, बच्चों के लिए पार्क इसी के अंदर है, बच्चों के लिए बास्केटबॉल कोर्ट, टेनिस कोर्ट, अगर आप बात करें तो क्रिकेट का जो आपका जो होता है नेट एरिया, नेट प्रैक्टिस के लिए आपको दिया गया है। ऐसी ना जाने कितनी है। अगर आप उसमें क्लब एरिया की बात करें, उसमें दोस्तों इंडोर गेम्स है उसी के अंदर है, आपको पूल टेबल लगे हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, इंडोर जिमनेशियम है, प्लस एक जिमनेशियम तो और ओपन हो रहा है, इसमें दो जिम आ रहे हैं। तो ये था हमारा फ्लैट दोस्तों, जो फीचर लोडेड होने वाला है, कन्वीनियंस वाइज अच्छी चीज़ें मिलने वाली है, एमिनिटीज़ आपको टॉप नॉच मिलने वाली है, साइज़ अच्छा मिलने वाला है, प्राइसिंग भी बहुत अच्छी आ रही है, बिल्कुल
फुल्ली फर्निश होने वाला है, लेकिन इसकी प्राइसिंग बहुत अच्छी रखी गई है। नंबर हमने डिस्प्ले कर दिया है, आप नंबर पर कॉल करें और अपना जो है विजिट प्लान आउट कर सकते हैं। जो फ्लैट जो आपके जितने भी रूम के जो साइजेस हैं दोस्तों, वो हमने नीचे मेंशन कर रखे हैं, अगर आपको जैसे जो है आप नीचे चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो में आपको दिखते रहे होंगे बेडरूम के साइज। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी और नए फ्लैट में, किसी और नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।